न्यूलिथिक एज या नवपाषाण युग हम लोग को देखने को मिलता है। क्या इसमें कोई चरण था जैसे कि उत्तर भारत में और विश्व में देखा गया है? यस, द साउथ इंडियन न्यूलिथिक एज हैज बीन डिवाइडेड इंटू थ्री फेजेस। दक्षिण भारत का नवपाषाण युग तीन चरण में विभाजित है और इसी पे क्वेश्चन नंबर 15 है। पहले इंग्लिश में डिस्कस करेंगे फिर हिंदी में। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15, न्यूलिथिक फेज इन साउथ इंडिया। फेज वन में हम लोग को क्या मिलता है? कोई भी मेटल्स हम लोग को नहीं मिला है यहां पे, बिकॉज इट इज अ स्टोन एज। फेज टू में क्या मिलता है? तो टूल्स ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज। एंड फेज थ्री में हम लोग आयरन फाउंड एट सम प्लेसेस। देखिए, न्यूलिथिक इज अ स्टोन एज, बट इन स्टेज टू इन साउथ इंडिया वी गेट एग्जाम्पल्स ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज, एंड इन स्टेज थ्री वी गेट एग्जाम्पल ऑफ आयरन। चलिए, तो 15 का सही ऑप्शन है ए। 15 का सही ऑप्शन है ए। 15 का सही ऑप्शन है ए। हम लोग हिंदी में चलते हैं, हिंदी में हम लोग चलते हैं। तो हिंदी में भी वही है कि दक्षिण भारत में नवपाषाण काल तो तीन चरण में है, थ्री स्टेजेस। चरण एक में हम लोग को कोई धातु उपकरण नहीं मिलता है। चरण दो में हम लोग को तांबा और कांसे का औजार मिला है, और चरण तीन में कुछ जगहों पर लोहा मिला है। तो 15 का सही ऑप्शन है ए। 15 का सही ऑप्शन है ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। इन विच फेज ऑफ न्योलिथिक एज इन साउथ इंडिया वी फाइंड एविडेंस ऑफ कैटल शिप गोट एंड प्रैक्टिस ऑफ सम एग्रीकल्चर। देखिए, क्वेश्चन 16 का लॉजिक ये है कि नवपाषाण क्रांति या न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां पे एग्रीकल्चर, कृषि तो चालू हुआ ही। नंबर टू, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पालतू बनाया गया और रहने के लिए, चूंकि कृषि है तो जो घुमंतु जाति थे एक जगह रहने के लिए यानी घर, तो जब तक घर ना मिले, जब तक पालतू जानवर ना मिले और जब तक कृषि का साक्ष्य ना मिले, वो नवपाषाण युग कहला ही नहीं सकता। वी कैन नॉट कॉल इट न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। तो इसी पे क्वेश्चन नंबर 16 है कि कौन से फेज में, यदि हम लोग साउथ इंडियन न्यूलिथिक एज बात करें, तो किस फेज में हम लोग को कैटल शिप गोट और एग्रीकल्चर का मिला है उदाहरण। यदि दक्षिण भारत में नवपाषाण युग की बात करें, तो किस चरण में हमें मवेशी मिले हैं, भेड़ मिले हैं और बकरी मिले हैं और कुछ कृषि के अभ्यास के प्रमाण मिले हैं? तो वो है फेज टू, वो है आपका चरण दो। तो 16 का सही ऑप्शन है बी। 16 का सही ऑप्शन है बी। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। व्हाट वे ग्रोन इन साउथ इंडिया न्यूलिथिक एग्रीकल्चर। यदि हम लोग नवपाषाण यानी कृषि, तो दक्षिण भारत में नवपाषाण कृषि में कौन कौन से फसल का हम लोग को साक्ष्य मिला है? और यही है आपका क्वेश्चन नंबर, यही है आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो हॉर्स ग्राम मिला है। यस, हॉर्स ग्राम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कुल्थी की दाल। आपको हम फोटो दिखा देंगे कुल्थी की दाल होता क्या है। मिलेट मिला है, बाजरा मिला है, रागी मिला है, रागी भी मिला है। तो 17 का सही ऑप्शन है ए, बी और सी, यानी हॉर्स ग्राम यानी कुल्थी की दाल मिली है, मिलेट बाजरा मिला है और रागी मिला है। राइस नहीं मिला है, चावल नहीं मिला है, भात नहीं मिला है। ठीक है, तो अब आपको हम जो है
कुल्थी की दाल, ये है हॉर्स ग्राम। इसको देख लीजिए, हॉर्स ग्राम हम लोग को साउथ इंडिया में ये मिला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। मिट्टी के बर्तन मिले हैं दक्षिण भारत में, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, पॉटरी हैव बीन फाउंड, घड़ा कुल्हाड़ी सब मिला है। भाई अनाज रखेंगे कहां, तो उसके लिए बर्तन चाहिए ना। अब ये बताइए कि क्वेश्चन नंबर 18 ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट नियोलिथिक फेज टू इन साउथ इंडिया। हैंड जो पॉटरी मिला था हैंडमेड था, यस हैंडमेड था, व्हील मेड था, और वैटल एंड डॉब हाउसेस मतलब आज भी गांव में देखते होंगे पुआल का घर, तो पुआल का घर था, मिला था, उसपे कुछ रंगारंग पुताई उताई हुआ था, हाँ हुआ था, उसी को कहते हैं हम लोग वैटल एंड डॉब हाउसेस, मिला है। तो 18 का सही ऑप्शन है डी। दक्षिण भारत में नवपाषाण चरण 2 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हाथ से बने मिट्टी के बर्तन मिला था, यस मिला था, पहिए से बने मिट्टी के बर्तन मिले थे, मवेशी मिले थे, पुताई किए घर मिले थे। तो 18 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 11 से 18 तक अब हम लोग नवपाषाण युग, पिछले टेस्ट से यदि आप कंपेयर कीजिएगा टेस्ट 1 से, तो नियोलिथिक एज वर्ल्ड लेवल पे जितना क्वेश्चन बनता है हम लोग कर चुके, इंडिया लेवल पे जितना क्वेश्चन बन चुका है होना चाहिए कर चुके, साउथ इंडिया का ये लास्ट फेज बचा था और ये क्वेश्चन नंबर 18 तक ये भी आपका फिनिश हो गया है। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर एक सेक्शन से 10-10 क्वेश्चन हो, तो 2 क्वेश्चन जो है चालकोलिथिक एज पे हम लोग चलते हैं, ताम्रपाषाण युग पे हम लोग चलते हैं, है ना। तो चलिए ताम्रपाषाण युग पे पहले हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। आहार कल्चर, आहार संस्कृति, है ना, ये आहार संस्कृति इसको जानने से पहले ये देखिए, ये पाकिस्तान है, ये है आपका पाकिस्तान, और ये है राजस्थान। राजस्थान में ये जो देख रहे हैं गुलाबी, ये गुलाबी जगह, यही है आपका आहार, इसी को कहते हैं हम लोग आहार। ठीक है, तो आहार कल्चर को हम लोग आहार कल्चर को इंग्लिश में हम लोग इसको AHA कहते हैं, हिंदी में हम लोग इसको लिखते हैं आहार। ठीक है, इसको हम लोग बानस कल्चर भी कहते हैं, इसको हम लोग बानस कल्चर भी कहते हैं, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं बनास, हिंदी में कहते हैं बनास। इसका समय क्या है? 3000 BC से लेके 1500 BC, यानी 3000 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक। यहां पे क्या मिला है हम लोग को, यहां पे हम लोग को क्या मिला है? तो यहां पे हम लोग यदि फसल की बात करें, यहां पे फसल की बात करें, तो यहां पे हम लोग को गेहूं, यहां पे हम लोग को गेहूं, वीट और जौ मिला है, बार्ली मिला है, और यहां पे अरावली क्षेत्र का कॉपर का जो माइनिंग एरिया है इसके नजदीक था। तो फिलहाल आहार के बारे में इतना ही जानिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, वेयर इज आहार कल्चर सिचुएटेड, आहार संस्कृति कहां स्थित है? तो वो है आपके राजस्थान में, वो है आपके राजस्थान में। सो 19 का सही ऑप्शन है ए, 19 का सही ऑप्शन है ए, आहार आपके राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, टू विच कल्चर डिड आहार बिलोंग टू,
यदि आहार संस्कृति को हम लोग यदि कोई प्राग इतिहास में पाषाण या लौह युग या कौन सा धातु युग बोलेंगे तो किस युग में हम लोग आहार संस्कृति को रखते हैं। याद कीजिए, ये ध्यान रखिएगा कि आहार कल्चर इज कॉन्टेम्पररी एंड नेबर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा संस्कृति का ये समकालीन भी था और पड़ोसी संस्कृति भी था। इस बात को इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 ये पूछा जा रहा है कि डू विच कल्चर डिड आहार बिलोंग टू। तो इट बिलोंग टू चालकोलिथिक कल्चर, ये ताम प्रशान संस्कृति से ये जुड़ा हुआ है। तो ये आपका प्री हिस्ट्री प्राग इतिहास इंडिया लेवल पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग थोड़ा सा बिहार देख ले, थोड़ा सा अब हम लोग बिहार देख ले, है ना। सो बिहार जो हम लोग देखेंगे तो हम लोग 600 BC टू 325 BC देखेंगे, यानी बिहार में आपका जनपद काल से लेके मौर्य एज तक, फ्रॉम महाजनपद टू मौर्य एज में जो भी सामाजिक स्थिति थी, जो भी सोशल कंडीशन था, उसी को हम लोग इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे, इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करने से पहले क्वेश्चन नंबर 21 को जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग को पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द पीरियड बिटवीन 600 एंड 325 BC इन एंशिएंट बिहार। क्वेश्चन है 600 टू 325 BC में बिहार का सोशल कंडीशन, बिहार का सोशल कंडीशन क्या था। नॉन वेजिटेरियन डाइट वॉज पॉपुलर ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्या यहाँ के लोग मांसाहारी, बिहार के लोग मांसाहारी भोजन के शौकीन थे? यस, नॉन वेजिटेरियन डाइट वॉज पॉपुलर। लेकिन यहां तो बौद्ध धर्म था, फिर लोग मांस कैसे खाते थे? भैया गौतम बुद्ध बोले थे जानवर की हत्या मत करो, लेकिन ये कभी नहीं कहता कि मांस मत खाओ। सो बुद्धा प्रोहिबिटेड ओनली किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड नॉट मीट ईटिंग, ये भी सही है। द ब्राह्मण्स आर डिस्क्राइब्ड इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट एज एंजॉइंग नॉन वेजिटेरियन डाइट ऑन ओकेजंस लाइक सैक्रिफाइसेस एंड श्राद्ध सेरेमनी। इस समय के बुद्धिस्ट स्रोत से हम लोग को यह मालूम चलता है कि ब्राह्मण नॉनवेज फूड खाते थे, यज्ञ में भी खाते थे और श्राद्ध में भी खाते थे। तो 21 का सही ऑप्शन है डी, 21 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। प्राचीन हिंदी में चलते हैं। प्राचीन बिहार में 600 और 325 ईसा पूर्व के बीच की अवधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इस अवधि के दौरान मांसाहारी भोजन लोकप्रिय था। बुद्ध ने केवल जानवरों की हत्या पर रोक लगाई थी, मांस खाने को नहीं, यह भी सही है। बौद्ध ग्रंथों में ब्राह्मणों को बलिदान या यज्ञ या श्राद्ध समारोह जैसे अवसरों पे मांसाहारी भोजन का आनंद लेने के रूप में वर्णित किया गया है, यह भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन है डी, क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन है आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ धर्म सूत्र टेक्स्ट फ्रॉम द तैतिर स्कूल ऑफ कृष्ण यजुर्वेद। जरा इसको देखा जाए, कृष्ण यजुर्वेद में एक शाखा है जिसको हम लोग तैतिर ब्राह्मण कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद में एक शाखा है जिसको हम लोग तैतिर ब्राह्मण कहते हैं, और इस तैतिर ब्राह्मण में तीन धर्म सूत्र हैं। क्वेश्चन आपका 22
इसी पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ धर्मसूत्र टेक्स्ट फ्रॉम द तैतरी स्कूल ऑफ कृष्ण यजुर्वेद. अपस्तम यस, बौद्धयान यस, हिरण्यकेशीन यस. तो 22 का सही ऑप्शन है डी. निम्नलिखित में से कौन कृष्ण यजुर्वेद के तैतृ शाखा का धर्मसूत्र है? आपस्तम धर्मसूत्र, बौद्धयान धर्मसूत्र और हिरण्यकेशीन धर्मसूत्र. तो 22 का सही ऑप्शन है डी. 22 का सही ऑप्शन है डी. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज द्वादश सैक्रिफाइस? हिंदी में इसको कहते हैं द्वादशा यज्ञ. द्वादशा यज्ञ क्या है? इट इज अ सोम सैक्रिफाइस. यह एक सोम यज्ञ है, ठीक है. यह दशा रात्र यज्ञ है, माने 10 रात यह यज्ञ चलता है. और इट इज अ 12 डे सैक्रिफाइस. यह 12 दिनों का यज्ञ है. कहने का मतलब है कि आपका द्वादश सैक्रिफाइस जो है, द्वादश यज्ञ जो है, ये सोम यज्ञ है और ये दशारत्र यज्ञ है, 10 रात चलता है और ये 12 दिनों तक चलता है. क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन है डी. क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन है डी. ऑल द ऑप्शन, सभी विकल्प. क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प. इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग कंप्लीट करते हैं. इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग सेशन. Where do we find the mention of द्वादश sacrifice? द्वादश यज्ञ का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? क्वेश्चन का मतलब है कि द्वादश यज्ञ जो करेंगे उसका क्या क्या प्रक्रिया है, ये प्रोसेस कहाँ दिया हुआ है? तो ये प्रोसेस दिया हुआ है ऋग्वेद के ऐतर ब्राह्मण और कौशतिकी ब्राह्मण में. क्वेश्चन नंबर 24 ये पूछ रहा है कि हम लोग जो है द्वादश यज्ञ करेंगे, बट ये द्वादश यज्ञ जो करेंगे इसका प्रोसेस कहां दिया हुआ है? इसका प्रोसेस दिया हुआ है ऋग्वेद के ऐतर ब्राह्मण में और कौशतिकी ब्राह्मण में. इसका विधि दिया गया है ऋग्वेद के ऐतर ब्राह्मण में और कौशिकी ब्राह्मण में. तो 24 का सही ऑप्शन ए बी और सी. चलिए इस सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन आपका 150 है, लेकिन क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25 से हम लोग इस सेशन को जो है एंड करते हैं. इस सेशन को हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से एंड करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्स द द्वादश सैक्रिफाइस एज द सैक्रिफाइस ऑफ प्रजापति? क्वेश्चन नंबर 25 ये बोलता है, पूछ रहा है कि किस यज्ञ को आप कहेंगे कि यज्ञ में जो बलिदान दिया जाता है, जो अग्नि प्रज्वलित किया जाता है, वो बलिदान प्रजापति को दिया जा रहा है. ये किस ग्रंथ से हम लोग को, किस स्रोत से, किस लिटरेचर से हम लोग को मालूम चलता है? तो वो मालूम चलता है हम लोग को ऐतर ब्राह्मण से. वी कम टू नो फ्रॉम ऐतर ब्राह्मण. हम लोग को ऐतर ब्राह्मण से मालूम चलता है कि हम लोग को ऐतर ब्राह्मण से मालूम चलता है कि जो भी हम लोग बलिदान यज्ञ दे रहे हैं द्वादश यज्ञ में, वो ऐतर ब्राह्मण. इस बात को कहा जाता है कि इट इज लाइक यू आर गिविंग सैक्रिफाइस टू प्रजापति, एंड दिस पॉइंट हैज बीन एनुमरेटेड इन ऐतर ब्राह्मण. निम्नलिखित में से कौन द्वादश यज्ञ को प्रजापति को बलिदान कहता है या प्रजापति को आहुति के रूप में देखता है? तो वो है आपका ऐतर ब्राह्मण. तो 25 का सही ऑप्शन है बी. तो चलिए बच्चों, इस सेशन को हम लोग इस क्वेश्चन के साथ ही
एंड करते हैं, अगले सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड्स हम लोग ले चलेंगे। थैंक यू।